तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर देने के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, सबसे पहले आंसर मार रहे हैं कि इसका आंसर है सिक्स। ठीक है भाई, मान लेते हैं आंसर सिक्स। लेकिन एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करें, जो करेक्ट आंसर है, पहले वो करेक्ट आंसर भी मैं बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ये। अब ये कैसे आंसर ये आया, ये बात करते हैं। तो सब लोग आंसर ये दे रहे हैं, पहले ये मैं बात करता हूँ, ये आंसर कैसे आ रहा है। ऐसे करके लोग बता रहे हैं आंसर, पहले एक सेल बनेगा, उसके बाद दो सेल बनेंगे, उसके बाद चार सेल बनेंगे, उसके बाद आठ सेल बन जाएंगे, उसके बाद 16 सेल बनेंगे, उसके बाद 32 सेल्स बनेंगे, और लास्ट में 64। तो ऐसे आंसर अब दे कैसे रहे हैं, अब आंसर दे रहे हैं कि ये फर्स्ट डिवीजन 1 2 3 4 5 6, ऐसे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ डिवीजन, सिक्स डिवीजन, ऐसे करके आंसर ये लोग बता रहे हैं सिक्स। ठीक है, सिक्स बता रहे हैं सब लोग। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि माइटोटिक डिवीजन में एक सेल सिर्फ दो सेल बनाती है। तो यहाँ पे चलो ठीक है, एक सेल ने दो सेल बनाए, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ तो ये सेल, अब यहाँ पे कितनी देखेंगे हम लोग, ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि एक सेल दो सेल बनाती है, चलो ठीक है फर्स्ट डिवीजन है, लेकिन यहाँ पे फिर से यहाँ पे दो सेल है, तो कितने यहाँ पे डिवीजन कितने हुए, डिवीजन पूछा गया है। जब हम ये बात करते हैं, यहां से जब हम यहाँ पे जाएंगे तो इन्हें जनरेशंस बोला जाता है। यहां से यहाँ ये फर्स्ट जनरेशन है, यहां से यहाँ पे ये सेकेंड जनरेशन है, यहां से यहाँ ये थर्ड जनरेशन है, डिवीजन नहीं जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन है, ये फिफ्थ जनरेशन है, ये सिक्स्थ जनरेशन है। तो ऐसे करके ये जनरेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके जनरेशंस हैं। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन में एक सेल सिर्फ दो सेल बनाता है। ठीक है, तो ऐसे करके जब हम सॉल्व करेंगे, जो मैंने चार्ट बताया, अभी चार्ट डाल दो। अब मैं चार्ट की बात करता हूँ, जो मैंने बताया था टेबल, एक सेल पहले दो सेल बनाएगा, दो सेल चार सेल बनाएंगे, यहाँ पे कितने डिवीजन हुए हैं, यहाँ पे दो डिवीजन हुए हैं, यहाँ पे इसके बाद में यहाँ से यहाँ पे कितने हुए टोटल डिवीजन, दो डिवीजन हुए, यहाँ पे भी दो हुए, दो दो चार हो गए। तो ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो डिवीजन की बात करी गई है, जनरेशन की नहीं। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है, इसीलिए 63 इसीलिए आ रहा है। वो जो सिक्स आ रहा था, वो सिक्स जनरेशन था। तो ये अब क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट डिवीजन ऐसे, ये डिवीजन है, एक सेल दो बनाएगी, फर्स्ट डिवीजन हो गया। यहाँ पे थर्ड डिवीजन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके डिवीजन्स हैं। और जो यहाँ से 1 सेल 2 सेल, 4 8 16 32 64, तो ये सारे जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन AIPMT में पहले पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये है। इसे ये आया था 2000, आई थिंक 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तभी मैंने बता दिया उसमें। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 64 नहीं था, उसमें दिया था 120 सेल्स, 128 क्वेश्चन में दिया था। जो AIPMT में पहले क्वेश्चन प्रीवियस में आया था, उसमें क्वेश्चन में इतना दिया था सेल, इतना नहीं दिया था। तो क्वेश्चन आकाश वाले पैकेज में मॉडिफाई करके इतना कराया, तो उसका आंसर था 127। तो सबसे तो सिंपली हम लोग बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मेथड ये है कि जितने क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ सेल्स दिए होंगे, जैसे क्वेश्चन में इतने सेल्स दिए तो हमें आंसर निकालना है, तो हम हमेशा -1 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 127।
और जैसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें 64 सेल्स दी है, तो हम माइनस वन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। तो ये इसका मेथड है एक्चुअल में सॉल्व करने का। और जो प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखते हैं तो उसकी टेबल देख सकते हैं, जो जैसे मैंने टेबल बनाया फर्स्ट सेल ऐसे 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 इंक्रीज करता जाएगा, ये डिवीजन हो रहे हैं, ये सारे डिवीजन हो रहे हैं, हमने डिवीजन की बात करी है जनरेशन की नहीं। तो ऐसे ऐसे जनरेशन बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, इसके बाद फोर्थ जनरेशन आएगा, उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आएगा, उसके बाद सिक्स जनरेशन आएगा, सिक्स जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये जनरेशन हैं और ये सारे डिवीजन हैं, ये सब डिवीजन, ये डिवीजन में सारे काउंट करे जाएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर इस तरीके से आता है 64 माइनस 1 इक्वल्स टू ऐसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।